नमस्कार, दोपहर के 3:30 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीमार हो गए हैं, उनका कल कोरोना टेस्ट होगा। उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। कल दोपहर से ही, यानी कि बीते दिन दोपहर से ही उन्होंने अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। अब अरविंद केजरीवाल की जांच और रिपोर्ट का इंतजार है। कल कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। उन्हें हल्का बुखार है, गले में खराश की शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया। वैसे राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए आंकड़े भी दिल्ली सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इन सबके बीच अब दिल्ली सरकार के सामने चुनौती इस बात की कि एक तरफ जल्द से जल्द मुख्यमंत्री का कोरोना टेस्ट हो और वो ठीक हो जाए, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ते आंकड़ों को कम किया जाए, उसको थामा जाए। देखिए, कल दोपहर से दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत कुछ खराब चल रही है, और उनको बुखार भी है, गले में दर्द भी है। इसके कारण से उन्होंने अपने घर में ही खुद को आइसोलेट कर लिया है, अलग रखा है। कल दोपहर से ही बैठकें जो है वो कैंसिल हो गई हैं, और कल यानी आने वाली 9 तारीख को कल उनका टेस्ट होगा। एक तरफ वो डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं बहुत लंबे समय से, तो इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अभी किसी प्रकार की कोई बैठक ना करें, अपने आप को आइसोलेट रखें, घर में अलग रखें, और कल उनका कोरोना टेस्ट होगा। उसके बाद जांच रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर पता चलेगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ ठीक निकले और वो जल्द ही स्वस्थ होकर फिर से काम पर अपने वापस आए। अभी और भी सारे मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, तो कामकाज पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। काम, दिल्ली का काम जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चल रहा है, जैसे सरकार जिस प्रकार की उसकी चिंता है और हम लगातार सजग हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, वो जारी रहेगा, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को कल से थोड़ा बुखार की और गले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो कल दोपहर से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, और कल दोपहर के बाद से जितनी भी मीटिंग्स थी वो सब कैंसिल कर दी गई थी, किसी से मिले नहीं हैं वो। उनका डॉक्टर्स ने एडवाइज़ किया है कि कल उनका फिर हम कोरोना का टेस्ट कराएंगे, और उसके बाद ही इस पर कुछ कह पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। पर हम सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सकुशल रहें और जल्दी से स्वस्थ होके वापस उसी तरह काम पे लौटें जैसे वो दिल्ली के लिए करते रहे हैं। आज जांच नहीं होगी? नहीं, आज नहीं होगी, कल डॉक्टर्स ने एडवाइज़ किया, कल टेस्ट करें। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि अरविंद केजरीवाल जी को, उनको भी स्वस्थ रखें और वो स्वस्थ रहें और दिल्ली को स्वस्थ रखने में अपनी जो भूमिका है उसका निर्वाह करें। कई समाचार ऐसे आ गए हैं, इनका इलाज होगा, बाहर वालों का इलाज नहीं होगा। बाहर वालों तो कोई आ नहीं रहा है दिल्ली में, फिर ऐसी बात क्यों हो रही है? दिल्ली के लोगों का इलाज हो, और अगर कोई बाहर का रही गया हो यहाँ, तो क्या उसके इलाज से मना करेंगे? तो इस तरह के इंसानियत को शर्मसार करने वाला निर्णय कम से कम दिल्ली को नहीं लेना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है। तो एक तरफ कोरोना के बढ़ते हुए मामले सरकार के लिए चिंता का सबब, राजनीति भी उस पर गरमाई हुई है, क्योंकि दिल्ली के अस्पताल दिल्ली वालों के लिए सुरक्षित रख दिए गए हैं। इन सबके बीच केजरीवाल की खराब तबियत के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। उधर मुंबई में हाल बेहाल है और दिल्ली उसी राह पर चल पड़ी है। ऐसा लग रहा है हर रोज कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो 15 दिन में राजधानी में 56,000 कोरोना के कुल मामले होंगे। देश के दो बड़े महानगरों में कोरोना की घुसपैठ गहरी है। मुंबई डरा रही है तो दिल्ली उसी राह पर दौड़ पड़ी है। राजधानी में कोरोना सरपट दौड़ रहा है, रोज 1000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। 24 घंटे में ही करीब 1300 केस जुड़ गए। अच्छी बात यह है कि राजधानी में दो दिनों से कोरोना से किसी की जान नहीं गई, लेकिन कोरोना के कुल मामले सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। कुल मामले कोरोना के करीब 29,000 हो गए। 10,000 लोग ठीक तो हो गए, लेकिन 750 से ज्यादा को जान भी गंवानी पड़ी।
रफ्तार यही रही तो 15 दिन में राजधानी में दो गुने यानी 56,000 से ज्यादा केस होंगे। ऐसे में डर यही है कि अस्पताल में बेड कम ना पड़ जाएं। हमारे पास अभी तक तो एनफ बेड है कि जो लोगों को दे सकते, परंतु हमें आगे के लिए भी इसकी कैपेसिटी और बढ़ानी है। जिस तरह से केस आ रहे हैं, केस रोजाना जितने केस आ रहे हैं उस हिसाब से हमें जितनी कैपेसिटी, अभी हमारे पास 8,500-9,000 हो चुके हैं, तो अगले 15 दिन में हमारा टारगेट है कि कम से कम 15,000-17,000 बेड जरूर किया, इसको दोगुना किया जाए। ये हाल तो तब है जब दिल्ली में 12 दिनों में 405 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में अस्पतालों की अनदेखी के आरोपों के बाद दिल्ली सरकार ने 24/7 हेल्प डेस्क बनाने का फैसला लिया है। दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का इलाज होगा और मरीजों को दिल्ली के निवासी होने का सबूत दिखाना होगा। आप भी जान लीजिए कि आपको इलाज से पहले क्या डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। मुंबई में भी कोरोना की तेजी बनी हुई है। 24 घंटे में 1400 से ज्यादा मामले आ गए, 61 लोगों की मौत भी हो गई। अब मुंबई में कोरोना के कुल केस 48,000 से ज्यादा हो गए, वहीं मौत का आंकड़ा 1600 से ज्यादा हो गया। मुंबई में बढ़ते मामलों के बीच छूट की एक और किश्त आ गई। मुंबई की सड़कों में बदले अंदाज में बेस्ट की बसें आ गई। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये BST ने काफी सारे अरेंजमेंट किए हैं, बसेस देख लीजिए काफी चल रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट है ताकि जो कोरोना वायरस उसका फैलाव ना बढ़े, उसको रोकने के लिए। पहले तो जब लोग घुसेंगे तो वो इतने ही घुसेंगे कि वो एक एक सीट जो जैसे आप देख लीजिए, ये दो लोग इस पे अमूमन बैठते हैं, लेकिन एक ही शख्स बैठेगा इस सीट पे, तो यानी कि 50% से भी कम ऑक्युपेंसी होगी बसेस में। मुंबई में कोरोना की जंग जारी है और इस जंग से लड़ रहे वॉरियर्स को गृह मंत्री ने अनोखे अंदाज में सलाम किया। मुंबई से विद्या के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली और मुंबई का हाल आपने देखा, सबसे ज्यादा आंकड़े यहीं से सामने आ रहे हैं जो चिंता का सबब बने हुए हैं पूरे देश के लिए। वहीं आज से देश में मॉल मंदिर सब खुल गए हैं, लेकिन अनलॉक होती जिंदगी के साथ ही साथ कोरोना भी बेकाबू हो रहा है। देश में कोरोना के मामले अब तक 2.5 लाख के पार हो गए हैं। 24 घंटे में करीब 10,000 नए केस सामने आए हैं। जिंदगी को और रफ्तार मिल गई। अनलॉक वन में छूट की दूसरी किश्त भी आ गई। मंदिर में रौनक लौट आई, मस्जिद में नमाज शुरू हो गई, मॉल्स भी 2 महीने बाद गुलजार हो गए। जिंदगी भागने लगी, लेकिन कोरोना भी रेस में है। न तो इसकी रफ्तार कम हो रही है, न ही सिमटने को तैयार है। देश में कोरोना के कुल मामले अब 2.5 लाख के पार हो गए। जी हाँ, 1,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 के बाद 2.5 लाख। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े में कोरोना के कुल केस 2,56,000 से ज्यादा हो गए। इनमें करीब आधे लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन इस वायरस ने 7,000 से ज्यादा लोगों की सांसें छीन ली। और तो और, 24 घंटे में करीब 10,000 नए मरीज जुड़ गए, जबकि एक दिन में ही 206 लोगों की मौत हो गई। हैरानी तो यह है कि एक्सपर्ट इसे पीक नहीं मान रहे हैं, मतलब भारत में कोरोना विस्फोट अभी बाकी है। पीक केसेस जो हैं कम होने शुरू हो, वो है कि पीक आके हम आगे निकले। ये कब आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात भी सही है कि देश के अलग अलग भागों में पीक अलग अलग टाइम पे आ सकता है, क्योंकि हर एक एरिया थोड़ा का बिहेवियर अलग है। हमारा देश भी बहुत बड़ा है। लॉकडाउन के बाद दुनिया में कोरोना सिमट रहा है, लेकिन भारत में ये पैर पसारता जा रहा है। हालात ये हैं कि कोरोना के रोज बढ़ने वाले मामले में हमारा देश तीसरे नंबर पर जा पहुंचा। भारत से ऊपर सिर्फ ब्राजील और अमेरिका है, रूस पीछे छूट चुका है। इस लिस्ट में भारत के साथ चिली और पाकिस्तान भी है। आखिर भारत कहां जा रहा है? कोरोना की रफ्तार कितनी बढ़ेगी, कहां तक जाएगी? कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़े जा रहे हैं, 2.5 लाख के करीब हो गए हैं, और ये और देशों के मामले में अब हमारी पोजीशन भी ऊपर को जा रही है। लेकिन इसको एक और तरीके से देखना जरूरी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। नंबर्स पे हम इतना ना जाएं,
हम उस पर फोकस करें कि हमारे यहाँ डेथ्स कम होनी चाहिए, हमें लोगों को बचाने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।